नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज जा रहा हूँ देहरादून की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे ज़्यादा नेचुरल और ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ वास्तुकला के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। वह जगह है FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून। दोस्तों, मैं अभी FRI के अंदर जा चुका हूं और आप देख सकते हैं इसके अंदर पहुंचते ही यहां के खूबसूरत नज़ारे। देखिए दोस्तों, मैं संस्थान की मेन बिल्डिंग में पहुंच चुका हूं और आप यहां से चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं। दोस्तों, FRI रेलवे स्टेशन से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है और यह 1906 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो हम कह सकते हैं यह संस्थान जो है ब्रिटिश राज के तहत बनाई गई सबसे प्रतिभाशाली इमारतों में से एक है। और दोस्तों, यह बड़े पैमाने यानी 450 हेक्टेयर भूमि तक फैला हुआ है। अब हम देख सकते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ हमें प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं आज जगदीश। तो जगदीश जी, बताइए FRI की खूबसूरती के बारे में कुछ बताइए आप हमें। जैसा कि आप मेरे साथ देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा यहाँ मौसम है। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा कि FRI के जो ये भव्य कैंपस है, इनमें बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें कि आपकी कृष्णा कॉटेज, पान सिंह तोमर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रहना है तेरे दिल में और इरर 404 जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी शामिल हैं। मूवी स्टार्स की ये पहली पसंद रहती है, आपको तो पता ही होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट और सेकंड की शूटिंग यहीं हुई थी और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मूवी मानी जाती है। जी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ विभिन्न प्रकार के म्यूज़ियम हैं, जैसे कि पैथोलॉजी म्यूज़ियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूज़ियम, सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम, टिम्बर म्यूज़ियम, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम, एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम। ये अपने आप में एक बहुत प्रकार की विशेषताएँ रखते हैं जिसका कि विश्लेषण आपको यहीं आके मिलेगा। इमारत की अद्भुत कला, यहाँ का मौसम और नेचर हर किसी पर्यटक का मन मोह लेता है और यहाँ के संग्रहालय आपको कई बेहतर से बेहतर चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो मतलब स्पष्ट है कि FRI में बूढ़े से लेकर जवान तक फोटोग्राफी का शौक़ रखने वाला हो या कुछ ज्ञान को कैप्चर करने वाला इंसान हो, नेचर को एडमायर करने वाला इंसान हो, इन सभी लोगों के लिए FRI एक बेहतरीन स्थान है। तो दोस्तों, आप भी आइए FRI और यहाँ की खूबसूरत यादों को अपने जीवन में उतारिए। और दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत जगह देखने के लिए मेरे चैनल संतोष तिवारी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।